हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू PSN स्कूल। बायोलॉजी क्लास चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट हम बोलते हैं फ्लावर को, जो टिपिकली एक प्लांट में जो फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब इसमें हम जो फ्लावर के जो इवेंट्स हैं उसमें हम 3 फेजेस में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज उसका होता है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट इवेंट जो होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले हम 2 फेजेस पढ़ते हैं इसमें, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर में एंडोशियम एंड गाइनोशियम जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। अब ये एंडोशियम और गाइनोशियम क्या हैं? एंडोशियम ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके, और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्टेमन, एंडोशियम जो होता है वो स्टेमन से बना है और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। अब ये स्टेमन जो होता है ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है फिलामेंट और सेकंड वन इज एंथर। फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक्ड है और एंथर जो है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया है इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको फर्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस दिखाई देगी, आउटर लेयर। सेकंड लेयर है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। थर्ड है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू, जो स्पॉन्जी टिश्यूज वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि इन सारी लोब्स को, हमने पढ़ा ना बायलोब्ड, तो ये सारी लोब्ड जो हैं इसको कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद आता है इसमें मिडिल लैमेला, मिडिल लेयर के बाद इसमें जो एक राउंड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, और ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ जो होते हैं इसमें स्पोरोजियोफोर बनते हैं, और लास्ट इसका पार्ट जो है वो कहलाता है टैप्टम, उसको हम बोलते हैं टैप्टम। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंथर की, सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉपर्टीज़। ये है बायलोब्ड, 2 लोब इसकी आपको दिखाई दे रही है, जो कॉर्नर्स इसके थोड़े से अप साइड में है इसको हम लोब्ड बोलते हैं, तो ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। डायथीसियस, डायथीकस का मतलब हुआ कि ये इसके जो एक लोब के रेफरेंस में अगर अपन देखते हैं तो इसमें आपको 2 लोब, ये 2 लोब जो हैं, 2 लोब में अपर वाली जो 2 लेयर हैं वो डायथीकस हैं। डायथीकस मतलब इसमें जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ होते हैं वो 2 हैं, तो इसमें इसको हम इसीलिए बोलते हैं डायथीकस। फिर इसका थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल, इसमें 4 गोनल्स दिखाई दे रहे हैं इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लास्ट पार्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि कंटेन 4 स्पोरेजीनियस टिश्यूज, यानी इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है इसीलिए इसको अपन टेट्रा स्पोरेंजिएट टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप एक नोट करने वाली चीज़ इसमें ये है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या 2 सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो होती है पेराइटल सेल और दूसरी है स्पोरोजीनियस सेल्स। अब ये पेराइटल सेल क्या वर्क करती है, पेराइटल सेल जो है वो वर्क करती है इसकी लेयर्स बनाने का। अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा ना, स्ट्रक्चर में आपने बायलोब्ड देखा, उसमें आपने बाहर जो लेयर्स देखी थी तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये जो लेयर्स होती है मिडिल लैमेला, ये सारी लेयर्स किससे बनती है, पेराइटल सेल से। और स्पोरोजीनियस सेल से केवल स्पोरेंजिया ही बनती है और इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो ये सर्कुलर, जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये, और ये कवर्ड रहता है 4 लेयर से। 4 लेयर्स के नेम आपको इसमें मेंशन किए हैं, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, जो आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर है एंडोथीकम, थर्ड लेयर है मिडिल लैमेला और फोर्थ लेयर है इसकी टैप्टम। अब इन चारों लेयर्स के, जो 4 लेयर्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, इनके फंक्शंस अपन देखें तो फंक्शंस ऑफ लेयर्स, फर्स्ट एपिडर्मिस, ये आउटर कवरिंग बनाती है, जो भी टिश्यूज हैं उन सबकी आउटर कवरिंग बनाती है, सिंगल लेयर्ड ये होता है, मेड अप ऑफ
प्रोलैक्टिन, ये कौन से एंजाइम से बना हुआ है? प्रोलैक्टिन, ओके। और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका वर्क क्या है? ये जो जितने भी इंटरनल टिश्यूज होते हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। सेकेंड लेयर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होती है? ये सिंगल लेयर्ड है और ये कंटेन किए हुए रहती है अल्फा सेलुलोज से, यानी इसमें ये जो जिससे बनी हुई होती है उस एंजाइम का नाम है अल्फा सेलुलोज। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि कुछ जगह पर ये थोड़ा सा, इसमें कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है। रीजन वेयर अल्फा सेलुलोज इन एब्सेंट इज कॉल्ड एस्ट्रोमियम। इस रीजन्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोमियम। और ये एस्ट्रोमियम जो होता है ये वो पार्ट होता है जहाँ से एंथर डाइजेसेंस के टाइम पे स्पोर्स जो होते हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं, यानी ये जो पार्ट है एस्ट्रोमियम, यहाँ से एंथर्स जो होते हैं वो रिलीज होकर बाहर डिस्पर्स्ड होते हैं, ओके। थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। ये मेडअप ऑफ फोर लेयर, यानी फोर या फ्यू लेयर्स हम बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। और इसका वर्क क्या है? स्टोर न्यूट्रिशन। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन का वो स्टोर करके रखता है। जो टैप्टम जो है जिसके ज़रिए न्यूट्रिशन मिल रहा है माइक्रोस्पोर्स को, उसको ये स्टोर करने का वर्क करता है। और लास्ट लेयर जो है वो है इसकी टैप्टम। टैप्टम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है ये, और ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन को टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। यानी जो माइक्रोस्पोर्स हो रहे हैं जिस टाइम डेवलप हो रहे हैं उस टाइम उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ती है ना, तो ये न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलता है? टैप्टम से, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो इसके लिए हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म अ पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल को हम और क्या दूसरा नेम दे सकते हैं? स्पोरोजीनियस सेल्स थ्रू मियोसिस। यानी एक पॉलन मदर सेल है वो मियोसिस के वक्त एक टेट्राड बनाती है और इस टेट्राड को हम बोल रहे हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स आर अटैच्ड बाय कैलस। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं कैलस से। टैप्टम प्रोड्यूस कैलस एंजाइम फॉर देयर सेपरेशन। और टैप्टम क्या करता है? जिस टाइम इन टेट्राड का सेपरेशन होता है उस टाइम ये इसको कैलस जो होता है प्रोड्यूस करता है। आफ्टर सेपरेशन, जिस टाइम सेपरेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का डेवलपिंग इनटू पॉलन ग्रेन्स, उस टाइम क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नेम है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। अब जिस टाइम यंग स्टेज होती है प्लांट की उस टाइम माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं और माइक्रोस्पोरिंजिया जो होती है वो पॉलन सैक में कन्वर्ट होती है। यानी यंग स्टेज जब होती है जब तो इसको हम माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरिंजिया बोल रहे हैं, और जिस टाइम मैच्योर स्टेज होती है उस टाइम माइक्रोस्पोर्स को तो हम पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं और माइक्रोस्पोरिंजिया को हम पॉलन सैक बोल रहे हैं, ओके। स्टूडेंट्स, फिनिश करते हैं हम आज का टॉपिक।